इसमें ला रही असल डियर स्टूडेंट्स आज हम नुमेरिकल्स करने जा रहे हैं लास्ट टाइम हमने वन टू फाइव कर लिए थे और आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के कम्प्लीट नुमेरिकल्स करेंगे और जो रह गए हैं वो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कितने रहते हैं तो आइए हम नुमेरिकल्स को स्टार्ट करते हैं ठीक है तो हम फिफ्टीन पॉइंट सेवन करेंगे अकॉर्डिंग टू तो स्मार्ट सिलेबस और मैं यहाँ पर रीड कर रहा हूँ नुमेरिकल आप अपनी बुक पर देखेंगे और साथ साथ जो पॉइंट का वो लिखते जाएंगे हाईलाइट करते जाएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें सेवन्थनमेरिकल में कह रहा है कि सोलोनाइ हैज टू फिफ्टी टनस कह रहा है सोलनाइड के पास टू फिफ्टी टनस हैं तो टनस को हम लिख लेते हैं टू फिफ्टी एन से लिख लिया कैपिटल एन से लिख दिया एंड इट्स सेल्फ इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस दी हुई है टू पॉइंट फोर मिली हैंनरी मिली को टेन पावर माइनस थ्री से लिख दिया ठीक है ये हैंनरी में आ गया फिर आगे कहता है व्हाट इज फ्लक्स थ्रू ईच क्वाइल फ्लक्स हमने फाइंड करना है फ्लक्स इक्वल टू कैसे मार्क लिखा हमने ठीक है आगे कहता है दी वैन द करंट इज टू अम्पेयर जब करंट कितना हो टू अम्पेयर फ्लो कर रहा हो वाट इज इंड्यूस्ड ई एम एफ वैन द करंट चेंजेस फ्राम कहता है अब बताना है इंड्यूस्ड ई एम एफ कितनी होगी वैन जब करंट कितना चेंज हो रहा हो साथ उसने मैंसन कर दिया वैन करंट चेंजेस ट्वेंटी एम्पीयर पर सेकेंड तो ट्वेंटी एम्पीयर पर सेकेंड को हमने जो सिंबल रखा वो क्या लिखा डेल्टा आईवर डेल्टा टी यानी एम्पीयर पर सेकेंड है तो डेल्टा आईवर डेल्टा टी इसका सिंबल होगा ठीक है तो अब देखें ये हमारे पास फाइंड ये फाइंड करना है हमने ठीक है और ये ऊपर गिवन डाटा है और यहाँ पे हम सोल्यूशन करते हैं तो सोल्यूशन में हम सॉल्व करते हैं इसका फर्स्ट ऑफ ऑल हम फ्लक्स फाइंड करेंगे और फ्लक्स के लिए हम फार्मूला लिखेंगे सेल्फ इंडक्टर्स के टर्म में हमने पढ़ा हुआ है कि एन phi इज इक्वल टू एल आई यानी यहाँ पे क्या हो रहा है कि फ्लक्स जितना एन टर्न्स का फ्लक्स करंट के डायरेक्ट होता है और यहाँ पे एल सेल्फ इंडक्टेंस है यानी कांस्टेंट है सेल्फ इंडक्टेंस एल कॉन्सटेंट प्रपोर्सनैलिटी भी होता है यानी जब आपने ये फार्मूला पढ़ा था ना तो यू कहा था कि ये सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ एन फ्लक्स ऑफ एन टंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू करंट ठीक है और यहाँ पर कॉन्सटेंट आता है उसको एल कहते हैं ठीक है अब ये यहाँ से आप फ्लक्स का फॉर्मूला बना लें फ्लक्स का फॉमूला हमारे पास आएगा फ्लक्स इज इक्वल टू एल आई अवर एन आ जाएगा ठीक है अब यहां पे हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं वैल्यूज पुट करेंगे आप एल की वैल्यू टू पॉइंट फोर टेन पर माइन्स करंट दिया हुआ है टू एम्पेयर ठीक है और एन टू फिफ्टी है इसको आप सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा ठीक है ये फर्स्ट पार्ट कर लिया अब सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं सेकेंड पार्ट में हमने फाइंड करना है कि कितनी ई एम एफ इंड्यूस्ड होगी अगर ट्वेंटी एम्पेयर पर सेकेंड करंट चेंज हो रहा हो तो इसके लिए हम फार्मूला लिखते हैं हमारे पास ई एम एफ इंड्यूस्ड ई एम एफ़ का फार्मूला है सेल्फ इंडक्टेंस की टर्म में ई एम एफ इज़ इक्वल टू एल डेल्टा आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी ठीक है ये इसका फार्मूला हो गया इंड्यूस्ड ई एम एफ का अब इसमें आप वैल्यू स्पूट कर लें तो देखें यहाँ पर डेल्टा आई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इसकी वैल्यू भी दी हुई है ट्वेंटी पेयर पर सेकेंड एल की वैल्यू भी दी हुई है ठीक है तो ये मैं वैल्यू स्पूट करता हूँ एल की वैल्यू कितनी है टू पॉइंट फोर टेन पावर माइनस थ्री और यहाँ पे डेल्टा ये और डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है ट्वेंटी है ठीक है इसको सॉल्व करें कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लें ठीक है मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा ठीक है अब जो यहाँ पे आंसर आएगा वो वन पॉइंट नाइन टू टेन पावर माइनस थ्री आ जाएगा और साथ इसका यूनिट लिख लें चूँकि ई एम एफ है ठीक है ई एम एफ का फॉर्मूला यहाँ ये फॉर्मूला नहीं आंसर नहीं आएगा आंसर इसका ये आएगा फोर पॉइंट एट फोर पॉइंट एट इंटू टेन पावर माइनस थ्री वोल्ट आ जाएगा ठीक है इसको हम यू भी लिख सकते हैं फोर पॉइंट एट को मिली में लिखना चाहते हैं तो अगर मिली में आप इसको लिखते हैं तो इसको लिखेंगे फोर पॉइंट फोर पॉइंट एट मिली वोल्ट ये टेन पावर माइनस टू आएगा इसका आंसर और फिर इसको मिली में ले आना है तो ये मिली में करेंगे तो ये फोर्टी एट आ जाएगा फोर्टी एट मिली में आ जाएगा इसको सॉल्व करके आपने देख लेना है ठीक है ये हमने मेडिकल नंबर ए सेवन कर लिया अब नेक्स्ट हम जो स्मार्ट सिलेबस में हैं वो नुमेरिकल नंबर एट है नुमेरिकल नंबर एट करते हैं तो मैं रीड कर रहा हूँ आप अपनी बुक पे देखेंगे नुमेरिकल नंबर एट को इसकी स्टेटमेंट को नुमेरिकल नंबर एट में कहता है सोलिनाइट ऑफ लेंथ एट सेंटीमीटर सोलिनाइट की लेंथ दी हुई है तो लेंथ को हम लिख लेते हैं स्मॉल एल से लिख लेते हैं ठीक है या कैपिटल एल से लिख लें स्मॉल एल से लिख लेते हैं तो ये एट सेंटीमीटर है मीटर में लाने के लिए हम इसको हंड्रेड पे डिवाइड करेंगे जीरो पॉइंट ज़ीरो एट मीटर आ जाएगी ठीक है उसके बाद हम देखते हैं आगे कहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है ये एक कैपिटल ए से लिखेंगे और ये दिया हुआ ज़ीरो पॉइंट फाइव सेंटीमीटर स्क्वायर इसको भी आपने मीटर स्क्वायर में लाना है ठीक है तो आप इधर डिवाइड कर देंगे टेन पावर फोर से ठीक है टेन तो पावर फोर न्यूमरेटर में आएगी तो टेन पावर माइनस फोर हो जाएगी ठीक है इसके साथ अब यूनिट जो आएगा ये मीटर स्केयर आ जाएगा अब आगे कहता है नंबर ऑफ़ टर्नसेज जो दी हुई हैं वो फाइव ट्वेंटी हैं नंबर ऑफ टर्न्स को हमने फाइव ट्वेंटी लिख दिया और करंट चेंज हो रहा है करंट जो चेंज हो रहा है डेल्टा आई से लिखेंगे कितना करंट चेंज हो रहा है वन पॉइंट फाइव अम्पियर और जो टाइम इस लग रहा है जिस टाइम में करंट चेंज हो रहा है वो टाइम है ज़ीरो पॉइंट टू सेकेंड और जो हमने यहाँ पर फाइंड करना है फाइंड में वो कहता है फर्स्ट आप सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड करें सेल्फ इंडक्टेंस को कैपिटल एन से लिखेंगे और इंड्यूस्ड इंडियम फाइंड करें इंड्यूस्ड एम को हम ई e से लिखेंगे ठीक है ये टू पार्ट्स हमने करने हैं तो इसको आप सॉल्व करते हैं तो सोल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ इंडक्टेंस हम फाइंड करने जा रहे हैं तो सेल्फ इंडक्टेंस के लिए हमारे पास फार्मूला होता है सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्केयर ए एल ठीक है अब यहाँ पे जो स्मॉल एन रहा है इसका फार्मूला होता है एन ओवर एल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इसको कहते हैं एन टेंस हैं एल लेंथ हैं तो अब यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी म्यू नाट ठीक है यहाँ पे आ जाएगा एन और एल ठीक है और इसका स्केयर है तो होल स्केयर लगा देंगे साथ यहाँ पे ए एल लिख दिया अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं तो स्केयर ओपन कर लें तो म्यू नाट एन स्केयर डिवाइडेड बाई एल स्केयर सी स्केयर ओपन किया यहाँ पर तो ये ए एल आ गया अब यहाँ पर जो एल है ये वन इसमें से कैंसिल हो जाएगा ये कैंसिल होगा तो बाकी हमारे पास ये आ जाएगा एल इज इक्वल टू म्यूनाट एन स्केयर डिवाइडिड बाई एल स्केयर ठीक है इन टू ए आ जाएगा ये हमारे पास एल की वैल्यू आ गई सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू आ गई अब इसमें आपने वैल्यू स्पूट करनी है म्यू नाट की वैल्यू आपको याद है फोर बाई इंटू टेन पावर माइनस सेवन वेबर पर मीटर पर एम्पेयर ये इसका यूनिट भी याद हो आपको ये वैल्यूस आपने इधर पुट करनी है एन की वैल्यू दी हुई है ए की वैल्यू गिवन है एल की वैल्यू गिवन है लेंथ स्मॉल एल सब कुछ गिवन है पुट करेंगे तो आपके पास सेल्फ इंडक्टेंस आ जाएगी ठीक है अब इसमें हमने दू, जो दूसरा पार्ट करना है वो इंड्यूस्ड ई है ठीक है ये फर्स्ट पार्ट था अब सेकेंड पार्ट में इंड्यूस्ड ई फाइंड करनी इंड्यूस्ड ई का हमारे पास जो फार्मूला होता है वो फार्मूला है ई इज इक्वल टू ठीक है ये सेल्फ इंडक्टेंस की टर्म में लिखने लगे हैं तो डेल्टा ओवर डेल्टा टी और साथ एल, एल फॉर सेल्फ इंडक्टेंस की टर्म में हम लिख रहे हैं अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं सेल्फ इंडक्टर्स से अभी हम फाइंड करके आएंगे ये फर्स्ट पार्ट में वो पुट कर देंगे डेल्टा आई हमें दिया हुआ है ठीक है डेल्टा टी हमें दिया हुआ है ये सारी वैल्यूज आप इसमें पुट करेंगे तो ये इंड्यूस जी एम एफ भी आ जाएगी सेल्फ इंडक्टर फर्स्ट पार्ट से आपने जो फाइंड की होगी वो और डेल्टा आई हमें दिया हुआ है गिवन डाटा में 1.5 और डेल्टा टी दिया हुआ है जीरो पॉइंट टू पोट करेंगे कैलकुलेटर से ही आंसर आ जाएगा नेक्स्ट हम नमेरिकल नंबर टेन गिरने लगे हैं स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक ठीक है तो मैं टेंथ नमेरिकल रीड कर रहा करूँ आप अपनी बुक पर देखेंगे तो टेंथ नमेरिकल में कहता है लाइक एनी फील्ड किसी भी फील्ड की तरह अर्थ की भी फील्ड होती है ठीक है तो इधर मैं लिखता हूँ लाइक एनी फील्ड द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड स्टोर एनर्जी जैसे मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी स्टोर करती है तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड भी एनर्जी स्टोर करेगी आगे कहता है फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी स्टोर इन दी स्पेस मैग्नेटिक एनर्जी हमने फाइंड करनी है जो स्पेस के अंदर है ठीक है इसको लिख लेंगे यू एम यू एम से मैग्नेटिक एनर्जी का सिंबल रखा जाता है तो हमें पता है अर्थ भी एक मैग्नेट है ठीक है अर्थ की स्पेस में क्या है एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर होती है वो मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी हमने फाइंड करनी है फिर कहता है वेयर द फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ फील्ड इज अर्थ की जो फील्ड स्ट्रेंथ दी हुई है इसकी वैल्यू सेवन इंटू टेन पावर माइनस फाइव टेस्ला है इफ़ स्पेस इफ स्पेस ऑक्योपाई एन एरिया अगर स्पेस में जो एरिया ऑक्योपाई करता है उसकी वैल्यू टेन इंटू टेन पावर एट मीटर स्क्वायर है मतलब स्पेस है मैं लेट कर लेता हूँ ये पर्टिकुलर स्पेस है अर्थ के अराउंड ठीक है इसमें क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड भी होगी अर्थ की ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है ठीक है अब इस एरिया के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होगी वो हमने फाइंड करनी है तो अब इसमें सात वो कहता है एट हैज हाइट ऑफ ग्राउंड लैंड कर लें ये अर्थ की ग्राउंड है ठीक है इस ग्राउंड अर्थ सर्फस है तो अर्थ सर्फस से ये स्पेस कितनी हाइट पे है ये हाइट भी उसने हमें बता दी ठीक है हाइट की वैल्यू उसने हमें जो दी हुई है वो है सेवन फिफ्टी मीटर सेवन फिफ्टी मीटर इसे ग्राउंड की हाइट है ठीक है और इसमें इस इत, इतनी हाइट पे एरिया है इसका एरिया भी मैं दिया हुआ है, है इसमें मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है और मैग्नेटिक फील्ड में कितनी एनर्जी स्टोर होगी वो हमने फाइंड करनी है तो ये हो गया गिवन डाटा अब सोल्यूशन की तरफ चलते हैं तो सोल्यूशन में हम फार्मूला लिखेंगे मैग्नेटिक एनर्जी का मैग्नेटिक एनर्जी का हमारे पास जो फार्मूला होता है उसमें हम कहते हैं यू एम इज़ इक्वल टू मग्नेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू वन बाई टू बी स्केर डिवाइडेड बाय म्यू नॉट इन टू ए एल ठीक है ये हमारे पास फॉर्मूला होता है अब इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं बी के वैल्यू दी हुई है ए के वैल्यू हमें गिवन दी हुई है ये जो लेंथ है एल जिसको हम कह रहे हैं इसको हाइट कह देंगे ठीक है इसको हम यहाँ पे हाइट कह देंगे और एल की वैल्यू भी दी हुई है ठीक है और उसके बाद म्यू नाट आपको याद होगा म्यूनाट की वैल्यू क्या होती है फोर पाई इंटू टेन पावर माइनस सेवन वेबर पर मीटर पर एम्पेयर ये म्यूनाट की वैल्यू है सारी वैल्यूस आप इस फार्मूले में पुट करें वैल्यूस आप फार्मूले में पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा आपके पास आंसर आएगा वैल्यूस पुट करने से वन पॉइंट फोर सिक्स इंटू टेन पावर माइनस इंटू टेन पावर नाइन जूल ये इसमें एनर्जी सॉल्व हो रही स्टोर हो रही होगी मैग्नेटिक फील्ड में ठीक है वैल्यू से आपने सारी पुट करनी है और सॉल्व करके आंसर निकाल लेना है अब चलते हैं हम नमेरिकल नंबर इलेवन की तरफ ये था नमेरिकल नंबर टेन अब इलेवन करते हैं तो इलेवन न्यूमेरिकल में गिवन डाटा लिखते हैं बुक पे देखेंगे अब मैं रीड कर रहा हूँ बुक में गिवन डाटा में कहता है इलेवन में स्केयर ऑफ क्वाइल ऑफ साइड सिक्सटीन सेंटीमीटर हैज ट्वेंटी टनस टू हंड्रेड टनस टू हंड्रेड टन दी हुई हैं उसकी एक कोईल की एक स्केयर ऑफ कॉयल स्केयर ऑफ कॉयल उस कॉयल को कहते हैं जिसकी चारों साइड क्या होंगी इक्वल लेंथ की होंगी ये स्केयर ऑफ कॉयल है जिसकी हर साइड क्या है इक्वल है और एक साइड उसने हमें बता दी कितनी है सिक्सटीन सेंटीमीटर है अगर एक साइड सिक्सटीन सेंटीमीटर है तो एरिया हमने ये निकालना है तो एरिया किसके इक्वल होता है लेंथ इंटू विर्थ के इक्वल होते हैं तो जितनी इसकी लेंथ होगी उतनी इसकी क्या होगी विर्थ होगी तो लेंथ इंटू विथ इसको सिक्सटीन इंटू सिक्सटीन सेंटीमीटर इंटू सिक्सटीन सेंटीमीटर करेंगे तो ये एरिया होगा इसका ठीक है एरिया कैसे निकालना लेंथ भी उसने कहा स्केर है हमने स्केयर बना ली और इसकी एक साइड बता दी उसने सिक्सटीन तो हर साइड सिक्सटीन ही होगी क्योंकि हर साइड इक्वल होती है स्केर में तो फिर हमने कहा एरिया निकालना है तो लेंथ विर्थ होता है अगर एक साइड इसकी सिक्सटीन है तो दूसरी साइड भी सिक्सटीन होगी मतलब लेंथ विथ तो दोनों तो सिक्सटी होंगी यहाँ पे हमने वैल्यू से लगाएंगे तो ये एरिया भी हो जाएगा टर्नस उसने हमें कहा कि टू हंड्रेड है उसके बाद आके इसमें कहता है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ जीरो पॉइंट फाइव अब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी उसने बता दी जीरो पॉइंट जीरो फाइव टेस्टरा ठीक है कॉइल रोटेट कर रही है ये कॉइल है ये मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी होगी ये लाइन्स जो मैंने ड्रा की ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं ये लाइन्स मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी हो रही है ये, ये रोटेट कर रही है ठीक है अब ये कॉयल स्केर कोयल फील्ड में रोटेट करेगी तो इसमें फ्लक्स चेंज होगा ठीक है ई एम एफ भी आएगी और ये जो कॉयल है अभी इस वक्त जो फील्ड में पड़ी हुई है इसमें एनर्जी स्टोर होगी ठीक है वो हमने लास्ट में पढ़ी थी लेकिन अब हम इधर करने जा रहे हैं इफ़ पीक ई एम एफ ऑफ ट्वेल्व वोल्ट अब वो हमें बता रहा है ई एम एफ कितनी है ट्वेल्व वोल्ट है वाट इज़ दी एंगुलर वेलोसिटी वो कह रहा है बताएं एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी एंगल वॉस्ट्री को हम ओमेगा से लिखेंगे रोटेट करिए मगनैटीफील्ड में तो ई एम एफ एफ तो इंड्यूस होगी इसमें मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट कर रही है ई एम एफ कितनी आ रही है ट्वेल्व वोल्ट और इसकी ये जो रोटेट कर रही है कितनी एंगल वेलोसिटी से रोटेट कर रही है हमने ओमेगा फाइंड करना है तो अब इसको सोल्यूशन करते हैं सोल्यूशन में हम फार्मूला लिखते हैं ई एम एफ इंड्यूस्ड ई एम एफ का इंड्यूस्ड ई एम एफ का फार्मूला जो होता है कॉइल के लिए वो है ई इज़ इक्वल टू नवाब ये याद रखने के लिए हमने कहा था मैक्सिमम ईम एफ जो है ई नॉट एन ओमेगा ए डब्ल्यू एन टर्नस है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी और ए एरिया बी मैग्नेटिक फील्ड है अब यहाँ पे वैल्यूज हम पुट करेंगे तो ई एम एफ़ की वैल्यू हमें हमने फाइंड क्या करना है एंगुलर वेलोसिटी हमने फाइंड करना है यहाँ से हम एंगुलर वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे ठीक है आप सारी वैल्यूज पुट करेंगे एन भी दिया है, ए बी बी ई नॉट सारी वैल्यूज दी हुई हैं ये जो ट्वेल्व वोल्ट दी हुई है इसको ई नॉट लिख लेते हैं क्योंकि उसने पीक वैल्यू का है तो आप पीक वैल्यू को अंडरलाइन कर लें पीक का मतलब है मैक्सिमम और मैक्सिमम को हम ई नॉट से लिखेंगे ठीक है ई नॉट ट्वेल्व है एन ए बी सब वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ से आपके पास कैलकुलेटर से एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी ठीक है बच्चों नेक्स्ट डोमेरिकल नंबर सिक्सटीन करने लगे हम और इसका गिवन डाटा मैं रीड कर रहा हूँ इसमें कहता है कि कॉपर रिंग हैज़ ए रेडियस कॉपर रिंग का रेडियस दिया हुआ जिसको हम लिख लेंगे फोर पॉइंट जीरो सेंटीमीटर इसको मीटर में लाना है तो हंड्रेड पे डिवाइड कर देंगे ये मीटर में आ जाएगी फिर उसके बाद कह रहा है रेजिस्टेंस कितनी है क्वाइल की रेजिस्टेंस को कैपिटल आर से लिखेंगे और ये वन पॉइंट ज़ीरो मिली हन अहम है मिली ओम तो इसको लिख लेंगे वन पॉइंट जीरो मिली को कहते हैं टेन पावर माइसरी ठीक है तो ये हमारे पास रेडियस आ गया और ऊपर रेडियस है और उपर, रेडियस हाँ नीचे कैपिटल आर रेजिस्टेंस है इफ़ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है और टू मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है और इंक्रीज़ हो रही है मैग्नेटिक फील्ड पहले वाली को बी टू बी वन और दूसरी वाली को बी टू कहेंगे तो हमारे पास टू मैग्नेटिक फील्ड है दूसरी वाली, वाली मैग्नेटिक फील्ड उसने जीरो पॉइंट फोर कही हुई है और पहले वाली मैग्नेटिक फील्ड जीरो पॉइंट टू की हुई कही हुई है इसको माइनस कर दें माइनस करेंगे तो ये ज़ीरो पॉइंट टू आ जाएगा और सात यूनिट इसका क्या होता है टेस्ला होता है ठीक है तो उसने दो दी थी माइनस कर दी हमने उसके बाद फिर कहता है जो टाइम है जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है इन टाइम कितने टाइम में चेंज हो रही है ये टाइम भी उसने हमें बता दिया जो टाइम चेंज हो रहा है इसको हम डेल्टा टी से लिख लेते हैं ये वैल्यू दी हुई है फाइव इंटू टेन पावर माइनस थ्री सेकेंड ठीक है अब फाइंड क्या करना है हमने कहता है वाट इज द करंट करंट फाइंड करें तो यहाँ पे करंट को आई से लिखा करंट फाइंड करना है फिर ठीक है वाट इज द करंट इन द रिंग ड्यूरिंग इंटरवल करंट हमने फाइंड करना है तो सोल्यूशन करते हैं तो सोल्यूशन में लिखते हैं करंट के लिए फार्मूला लिखेंगे और करंट का जो फार्मूला होता है वो है आई इज़ इक्वल टू ई एम एफ़ डिवाइडेड बाई आर अब इसमें ई एम एफ चाहिए आर चाहिए रजिस्टेंस चाहिए रेजिस्टेंस तो हमें दी हुई है ये गिवन डाटा में ई एम एफ नहीं दी हुई तो ई एम एफ आइन करने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे ई एम एफ ईक्ल टू एन डेल्टा फाइव डिवाइडेड बाई डेल्टा टी अब यहाँ पे फाइव की वैल्यू लगा लेते हैं डेल्टा फाइव को जो हमारे पास फार्मूला होता है डेल्टा फाइव इक्वल टू इसको हम लिखेंगे डेल्टा बी ए ठीक है अब ये वैल्यू इधर पुट कर दें तो ये आ जाएगा एन अब देखें इधर डेल्टा बी के साथ रहते हैं डेल्टा फाइ है तो इधर डेल्टा के बी के साथ बी के साथ डेल्टा क्यों लगाया क्योंकि चेंज हो रही है ठीक है वैसे तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बी ए होता है ठीक है अगर डेल्टा बी के साथ आएगा तो इधर फ्लक्स के साथ भी आ जाएगा ठीक है, है अब देखें यहाँ पे ये यह फार्मूला हम इधर पुट करते हैं एन डेल्टा फाई की जगह पे आ जाएगा डेल्टा बी ए डिवाइडेड बाय डेल्टा टी आप वैल्यूज पुट करते हैं डेल्टा बी ए ए की वैल्यू नहीं दी हुई तो ए आप एरिया का फॉर्मूला लगा लेंगे एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्केयर ये एरिया की वैल्यू पुट करते हैं तो ये आ जाएगा एन डेल्टा बी पाई आर स्केयर ठीक है डिवाइडेड बाई डेल्टा टी ये हमारे पास फार्मूला आ गया ई एम एफ का अब यहाँ पर ये जो ई एम एफ ड्यूस्ड ई एम एफ की फार्मूला आ रहा है इसमें एन डेल्टा बी पाई की वैल्यू आप जानते हैं पाई थ्री पॉइंट वन फोर होते हैं ठीक है रेडियस आर की वैल्यू दी हुई है डेल्टा डेल्टिटी सब कुछ दिया हुआ है पुट करेंगे तो आपके पास इंड्यूस्ड ई एम एफ आ जाएगी ठीक है ये हमने सेवन न्यूमेरिकल कर लिया आपने वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लेना है अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर जो नेक्स्ट स्मार्ट सिलेबस में है न्यूमेरिकल नंबर सेवनटीन लास्ट न्यूमेरिकल है ये स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर फिफ्टीन का इसमें नंबर ऑफ टर्न्स हमें दी हुई है टेन टर्न्स हैं ठीक है और कह रहा है एरिया एंड थर्टी फाइव सेंटीमीटर स्केयर एरिया एरिया की वैल्यू दी हुई है थर्टी फाइव सेंटीमीटर स्केयर ठीक है इसको मीटर स्केयर में लाने के लिए क्या करेंगे टेन पावर फोर से डिवाइड कर देंगे ठीक है तो ये टेन पावर माइनस फोर मीटर स्केयर हो जाएगी और क्या है एरिया इज़ परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एरिया जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है ये अगर इलेक्ट करें ये एरिया तो ये मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया क्या है परपेंडिकुलर है आगे क्या कहता है इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो इसमें है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है जीरो पॉइंट मगनीटिक 0.5 जीरो पॉइंट फाइव टेस्ला ठीक है उसके बाद इसमें कह रहा है टाइम कितना है टाइम जो हमें गिवन दिया हुआ है कितना टाइम में मैग्नेटिक फील्ड है वन पॉइंट ज़ीरो सेकेंड यानी जो द कॉइल इज पुल्ड आउट ऑफ द फील्ड इन वन सेकेंड फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ हमने फाइंड करनी है ठीक है ये फाइंड में हम लिख देंगे अब इसमें आगे कहता है शुरू में इसने कहा टर्नस इसके टेन है एरिया ये है मैग्नेटिक फील्ड इतनी है टाइम इतने में ये पुल आउट किया जा रहा है मूव किया जा रहा है तो बताएं इसमें कितनी इंड्यूस जी आएगी तो इंड्यूस जी का फार्मूला लगाते हैं एन डेल्टा फाइव डिवाइडेड बाई डेल्टा टी आ जाएगा अब इसमें डेल्टा फाइव फ्लक्स है फ्लक्स का फार्मूला लगाते हैं आप फ्लक्स का फार्मूला होता है बी ए अगर बी के यहाँ पे डेल्टा लगाते हैं बी के साथ अगर बी के साथ डेल्टा लगाएंगे तो उधर दो के साथ बल्कि ऐसा करते हैं यहाँ पे जो हमारे पास फ्लक्स का फॉर्मूला आ रहा है इसको हम यूँ लिखेंगे बी ए ठीक है अब ये वैल्यूज हम पुट कर देते हैं फ्लक्स में ठीक है तो ये मैग्नेटिकील एक्चुअली चेंज ही हो फ्लक्स चेंज ही हो रहा होगा यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं तो अब आ जाएगा एन डेल्टा फाई इधर आ जाएगा बी ठीक है बी ए डेल्टा टी ठीक है अब इसमें ना देखें डेल्टा हमने नहीं लगाया उसने कहा था मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है परपेंडिकुलर टू तो मैग्नेटिक फील्ड क्वाइल इज पुल्ड आउट ऑफ द फील्ड जब क्वाइल पुल्ड आउट होगी ना तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज ही होगी ठीक है मैग्नेटिक फील्ड में से बाहर निकाल रहे हैं या अंदर की तरफ लेकर जा रहे हैं मगनेटी फील्ड चेंज होगी तो फ्लक्स भी चेंज होगा इधर पुट करेंगे तो ये डेल्टा बी होगा तो इधर भी हम डेल्टा बी लगा लेते हैं शुरू में जो गिवन डाटा में मैग्नेटिक फील्ड डेल्टा बी लगाया इधर भी डेल्टा बी लगा दिया ठीक है अब ये फॉर्मूला बन गया इसमें एन भी वैल्यू दी हुई हुई है डेल्टा बी की वैल्यू दी हुई है ए गिवन है डेल्टा टी सब कुछ गिवन है वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा ठीक है बच्चों तो ये हमने सारी न्यूमेरिकल कर ली कल हम देखेंगे चैप्टर नंबर सिक्सटीन और जो थ्योरी है सारी वो हम करेंगे वाइट बोर्ड पर तो इजाज़त दें मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अल्लाह हाफिज़